हम इन जैसे 47 फार्म वालों को तो मेरे भाई, मेरा जो शहर है रहीम यार खान, उनको तख्ते लाहौर के बारे में वो बहुत अजीब जज्बात रखते थे, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि मेरा ताल्लुक मेरी बेहतर जिंदगी लाहौर में गुजरी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। लेकिन जब 23 फरवरी को मैं इस दरवाजे से दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ अंदर आ रहा था, तो मैंने लॉबीज में गवाल मंडी के लोग और कसूर के लोग देखे, तो मेरा माथा ठनका कि मेरे लोग ठीक जज्बात रखते हैं तख्ते लाहौर के लिए। जब हमारे 600 किलोमीटर से दूर आए हमारे लोग, यहां से 600 मीटर दूर खड़े हुए थे और यहां पूरा गवाल मंडी भरा हुआ था। और रही सही कसर, जब मैंने 9 किलो का बजट देखा तो उसमें हमारे इलाके के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ लाहौर और गिरदोनवा के लिए था। जनाब स्पीकर, हमारा शहर आबादी के लिहाज से आपके शहर भावलपुर से बड़ा है, लेकिन हमारा शहर मेगा सिटी नहीं है, आपका शहर मेगा सिटी है। हमारा शहर सक्कर से आबादी में बड़ा है, लेकिन हमारा शहर मेगा सिटी नहीं है, सक्कर मेगा सिटी है। जनाब अली, यही नफरत है तख्ते लाहौर के लिए कि आज इस खूबसूरत ऐवान में हमारे जिले में से सिर्फ एक नुमाइंदा आपकी जमात का बैठा है। और अगर यही हाल रहा तो इंशाल्लाह ताला के 9 किलो का एक और बजट हमारे अवाम ने देख लिया, तो अगले इलेक्शन में आपकी पार्टी का कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, और अगले इलेक्शन में आपकी ये बात भी नहीं चलनी कि साड़ी गल हो गई है, वो भी समझ आ गया उनको कि इनकी बातचीत कोई नहीं होती। जनाब अली, मैं तालीम पे बात करूं तो हमारे इलाके में 611 केसेस पेंडिंग हैं पेंशन के, जिनकी अमाउंट 39 करोड़ 12 लाख 864 रुपए बनती है, और 17 केसेस हैं जो वफात पा गए हैं, उनकी अमाउंट 3 करोड़ 64 लाख बनती है। लेकिन देखे कि बजट में एक रुपया भी नहीं रखा गया, और हमारे 52 स्कूल ऐसे हैं जो अपग्रेडिंग हुए। जनाब अली, मेरे हलके PP261 जो एक्स वजीर खजाना जो यहां बैठते थे उनके घर का हलका है। जनाब अली, वहां सिर्फ 14 हाई स्कूल है और कोई भी स्कूल पिछले 50 साल से अपग्रेड नहीं हुआ। जनाब अली, मेरे वहां सड़कों का ये हाल है कि सड़कें शुगर मिल तक तो ठीक है, लेकिन जो आवाम की रोजमर्रा इस्तेमाल की है वो सड़कें बिल्कुल खराब है। जनाब अली, जनाब स्पीकर, मेरी आवाम ने, मेरे हलके ने, ये अजीब इलेक्शन था कि मेरे हलके ने कभी भी मेरी आवाम ने ये डिमांड नहीं की कि हमें सड़कें चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें गैस चाहिए। उन्होंने डिमांड की तो एक डिमांड की, कैदी नंबर 804 से वफा। और जनाब अली, वो सारे हम सारे वो वफा करके यहां बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी ताज़िंदगी तक उसे वफा करेंगे। जनाब अली, हकीकी तब्दीली ये थी कि ये जो इलेक्शन था ये हसब नसब से अलहदा था। मेरे हलके में ज्यादातर लोग पंजाबी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे वोट दिया, मेरे लीडर ने, ये हसब नसब, ये मजहब, इनमें तफरीक खत्म कर दी, बरादरीज़म खत्म कर दिया। और जनाब अली, हकीकी तब्दीली ये भी है कि जहां इतने बड़े अमीर, पाकिस्तान के सबसे अमीर नवाज शरीफ की बेटी और मेरी कुलीग जो अमेरिका से पढ़ के आई है भी बोल रही थी, वो मेंबर हैं, तो यहाँ हमारी बहन सैमा कमल जैसी भी मेंबर मौजूद है, जिनकी लाहौर तो क्या रहीम यार खान में भी कुछ एजाज नहीं है। जनाब अली,
जाम साहब वाइंड अप करें प्लीज। कल डिप्टी सीएम साहबा या तशरीफ लाई सानिया आयशक साहबा 15 मिनट के लिए और 12 मिनट में हमें दो धमकी ऑफरें देके गई। एक का मतलब ये था कि वो हम उनके बातों में आ जाए और उनके साथ मिल जाए, और दूसरा ये था वो हमें धमकी देकर गई। आज हम भी इनको दो रास्ते देते हैं, एक रास्ता लंदन का है और दूसरा सऊदी अरब का है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी, आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया जी, बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम जनाब मलिक लाल जोया साहब।